हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी बज रहे अपने सुबह के 7 और मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, बिकॉज 9 बजे मेरा एग्जाम है। तो मैं 8:30 बजे घर से बाहर निकल जाऊंगा, तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा है पढ़ने के लिए। तो मैं 1.5 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, और पढ़ाई कर रहा हूँ साइकोलॉजी की। बाकी भैया हमारी बन रही है गर्मा गर्म पूरियां। ये पूरियां कौन सी, जीरे की, अजवाइन? ये पूरियां हैं दाल और धनिये की। दाल और धनिये की, अच्छा। प्रणाम इसी बात पे, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है आज। पढ़ना भी जरूरी होता है आशीर्वाद के साथ। हाँ, पढ़ तो लिया थोड़ा बहुत, मैंने पास होने लायक पढ़ लिया है। बाकी भाई ये जा रहा है अपने स्कूल, मस्त रेडी हो गया ये। आप कहाँ जा रहे हो? मेरा एग्जाम है आज। लिया है, पढ़ तो लिया, ये पास होने लायक पढ़ लिया है। पास होने लायक, पास होने लायक। हाँ, मेरे को बोलते हो ना अपना अपना पढ़ा नहीं पड़ा। ओ भाई पागल, क्या पढ़ा नहीं पड़ा अपना? पढ़ लिया हल्का 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 पढ़ा है। मतलब कैसे हो जाएगा पेपर? पास हो जाऊंगा। पास हो जाओगे? देखो भाई मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, ठीक है आज? हाँ, तेरी नाक है भी। ओम भाई की नाक निकलनी चाहिए, सीधा सीधा बता रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी चुलबुल टन होके सो रहा है, चुलबुल वॉक करके आ गया ये, मस्त भीग भी गया है बारिश में। चुप चल जा। सिंपल पूरी चल रहा है। सिंपल पूरी वो दूध पड़, तू भी चल भी। इसको पहन ले देव, बाहर बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, पहन ले। मैं किसी निकाल को छूट गया उसको, तो मैं पहन लूंगा उसकी। पहला एग्जाम मैंने दे दिया, साइकोलॉजी का एग्जाम दे के आया मैं। मस्त एग्जाम गया मेरा, बहुत अच्छा गया। मतलब जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैंने सोचा था उससे काफी अच्छा गया। जितना मैं पढ़ के गया था भाई, वो एग्जाम में आया। जो टॉपिक्स मैंने पढ़े थे भाई, किस्मत वाली बात तो ये कि भाई वो एग्जाम में आया, वही सारे क्वेश्चन आए भाई जो मैं पढ़ के गया था। ओ भाई दिन बन गया, मजा आ गया, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बाकी भैया जी ये रहा अपना क्वेश्चन पेपर था 3 घंटे का, 75 नंबर का, ठीक है, सोशल साइकोलॉजी। और भैया जी इतने क्वेश्चन थे इसमें मैंने करे अपने 1, 2, 3, 4, 5, बिकॉज 5 ही करने थे। 8 क्वेश्चन थे बट 5 ही करने थे, और बाकी इसमें थे ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन बट करने 3 थे। तो मैंने 1, 2 और 3, अरे मजा आ गए भैया, मजा आ गए। बाकी गए इसमें कॉलेज के अंदर अपना फोन नहीं लगा था, बिकॉज फोन अलाउड नहीं था एग्जाम के दौरान। फोन वगैरह कुछ नहीं ले गया मैं, तो मैं गया खाली हाथ और आया खाली हाथ। मैंने कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं करा, तो घर आके व्लॉग कर रहा सीधे। मम्मा मैं आ गया एग्जाम दे के। घर में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, टेंशन हो गई है, और बहुत एक अजीब सा माहौल हो गया, बिकॉज मम्मी बहुत गुस्से में आ चुकी है। मम्मी को शायद कोई अननोन नंबर से कॉल आया, भी मैसेज आया, और वो बहुत गंदी गंदी अब्यूजिंग कर रहा है, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है मम्मी को, और मुझे ये सुन के इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा, मैं अपना गुस्सा पी रहा हूँ। तो मम्मी अभी आ रही है ऊपर अपने पार्लर से, और मम्मी बताएंगी कि हुआ क्या एक्चुअली। नहीं मुझे ये बता दो पांडे जी, मुझे ये बात बता दो कि मैं पार्लर में काम कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे बता दो। जो हमारे चाहने वाले लोग हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमारे बेटे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमारी फैमिली को पसंद करते हैं, उनका हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ इतने घटिया लोग भी है ना, उनको उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैसेज कर रहे हैं कि मैडम मैं आपके पार्लर में आई थी और आप मुझे नहीं मिले, और मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है, आप मुझे प्लीज रिप्लाई करें, मुझे कॉल करें, ऐसा मैसेज आता है आज से 2-3 दिन पहले अननोन नंबर से। मैं नहीं देख पाई, ऑल बिकॉज मैं बिजी थी, ठीक है, ये तीज वगैरह में मैं बिजी थी, पार्लर में बहुत काम था, मैं बिजी थी, मैं अपने पार्लर में अपने क्लाइंट्स अटेंड करूं या इन मैसेजेस का कॉल्स का जवाब दूं? क्या तू मेरी गोदी में बैठा है क्या 24 घंटे? नहीं। इस बात का जवाब दे मुझे कि मैं आईफोन तो मैं दिव्यांश से बात कर लीजिए, जितना पॉसिबल होता है मैं लोगों की बात भी करवाती हूँ, तेरे तक मैसेज भी पहुंचाती हूँ बेटा, मैं बात करता भी हूँ बेटा, इनसे बात कर ले, है ना? क्यों ऐसा है, हमने देखा तो नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन पता चल जाता है लोगों के चैट से, पता चल जाता है कौन कैसा है। इस बंदे ने मुझे लड़की बन के मुझे मैसेज करा है कि मैडम आपके पार्लर में मैं आई थी, आप नहीं मिले, ठीक है, सुनो सही। फिर मैंने आज मैं अभी थोड़ी देर में क्या कहते हैं उस समय पर थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए फ्री थी, तो मैंने स्क्रॉल कर रही थी मैं व्हाट्सएप में, तो मैसेज में मेरा नजर गई कि वही वाले मैसेज पे कि मैं आपके पार्लर में आई थी, आप मुझे नहीं मिले, मुझे अर्जेंट बात करनी। मैंने सोचा क्या पता ये सीजन में क्या पता मेकअप की बुकिंग वगैरह है कोई आया था मेरे पास और मैं नहीं मिली, तो इट्स वेरी बैड है। तो मैंने मैसेज कर दिया
कि हाय और आप कौन हैं, आपको क्या काम है करके मैंने मैसेज कर दिया और उसी समय मेरे दो क्लाइंट आ गए, ठीक है, काम के लिए। अब मैं क्लाइंट से अटेंड करूंगी या मैसेज का जवाब दूंगी या कॉल पिक करूंगी, मुझे इस बात का जवाब दे। मैंने लिख दिया मुझे टेक्स्ट कर दे और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बंदे ने टेक्स्ट करा है लेकिन वहां से कॉल पे कॉल है, फिर मैंने कॉल में रिसीव नहीं कर पाई है तो उसने इतनी गंद गालियां बकी हैं, इसके घर में मां नहीं है, ये जो भी वो लड़का है या जो भी वो आदमी है, मैं उसी के लिए कह रही हूँ, ये जो भी जिसने गंद बकी है वो जानता है, वो देख रहा है कि उसने क्या किया है। ऐसा नंबर है उसका? नंबर है मेरे पास और ये नंबर जा रहा है पुलिस के पास, थाने चलते हैं, है ना। इसने मुझे इतनी गंदी गालियां व्हाट्सएप पे लिख के भेजी है, माँ बहन की गालियां, इसके घर में माँ नहीं है, इसके घर में बहन नहीं है, इसके इतनी घटिया परवरिश है। शांति रखो, ऐसा करते हैं थाने चलते हैं, उसका नंबर दो, तमीज इंसान, उसका नंबर दो मुझे, उसका नंबर मुझे दो, थाने जाकर के नंबर से उसका नाम निकलवाते हैं, कहाँ का बंदा है, कौन है करके, पहला चैटा उसके मुंह में मैं मारूंगा, ठीक है। इसकी माँ अगर देख रही है, इसकी बहन अगर देख रही है, दोस्तों जूते चप्पल से मारो इसको। कहाँ का है? परवरिश हुई है हल्द्वानी का, दूसरे की माँ बहन को ये उल्टी सीधी गालियां बक रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सोचा मेरी क्लाइंट है। यहीं पर रुक जाओ, हम ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग बना के हम लोगों का एंटरटेन कर रहे हैं, लोग हमारे ब्लॉग में क्या हेटर भी, कोई अगर हेटर भी है उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है, कोई हेटर भी है तो कम से कम वो ना देखे ब्लॉग को, लेकिन उल्टा मैसेज में अगर तेरे से नंबर इनका वो हो गया, तूने नंबर कहीं निकल गया इनका, वो लीक हो गया नंबर, तो नंबर इनके फोन में उल्टा सुलटा थोड़ा लिख के भेजेंगे यार। सही नहीं है, आप हमारे फैन हैं, आप हमारे सपोर्टर हैं, आप हमें लाइक करते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है, अब तो परेशान कर रहे हैं एक वर्किंग लेडी को। चलो थाने चलो एक वर्किंग लेडी को जो अपने घर के साथ अपना बिजनेस कर रही है, कोई बात नहीं, एक मिनट सीधा थाने चलते हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं आप, चुप एक मिनट जाओ, एक बार थाने चलते हैं, थाने में मैं बात करता हूँ, चलो उसका नंबर निकलवाते हैं, उसका नाम निकलवाते हैं, फिर उसके घर में चलते हैं आज कि कौन है लड़का, चलो चलो चल 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 मम्मा टेंशन ना लो आप, ठीक हो जाएगा, टेंशन क्या नहीं लूं यार, चलो मतलब इनकी अगर दिव्यांश पांडे से बात नहीं हो पाएगी तो ये मां बहन की गालियां बकेंगे मेरे को, कोई बात नहीं, इस तरीके के लोगों को ना सबक सिखाना पड़ेगा। तो भाई अभी तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, मैं ओम मोटा भाई जा रहे हैं, क्या हुआ भाई, थाने जा रहे, पंगा हो गया यार, एक क्या पंगा हो गया, मम्मी का नंबर लीक हो रखा है व्लॉग में, तो एक बंदे ने फोन करा मम्मी को और अनशन गाली दे रहा है, अनशन गालियां, कहां का है बोले, पता नहीं कहां का है, नाना पता ही नहीं कहां का है, नंबर है बस, अनशन गालियां भाई है, यहीं का ही है, इतना पता तो कर देव, कल तो आ रहा थाने यार, ये सैलून में ये फोन कर रहा है बार बार, एक महिला को परेशान कर रहा है, कौन है, राजपूत जी कहाँ से बोल रहा है, हल्द्वानी कहाँ से, रामनगर कहाँ से, 9 साल का बच्चा हूँ, ना ना ना, ना। बात बोलो बच्चा, हेलो, लाउड स्पीकर कौन बोल रहे बेटा, राजवीर बोल रहे हो आप, छोटे बच्चे हो आप, तो आपने क्या अभी वो सैलून में कोई मतलब एक मैडम से बदतमीजी करी क्या, आपके फ्रेंड्स आए हुए थे, तो आपके फ्रेंड्स का नाम क्या है, कहाँ से आए थे वो, अर्णव और आदर्श, अर्णव उनका, रामनगर, आप रामनगर से बोल रहे हो, रामनगर कौन सी जगह रहते हो, एग्जैक्ट नहीं पता, तो आपने अपना फोन क्यों दिया उनको, वो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे घर, बड़े बड़े क्या, बड़े जो बड़े बड़े बच्चे हैं क्या, ये 10th में, 10 साल के, 11 साल के, नहीं 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 10th में पढ़ते हैं, 10 साल के हैं, 10 और 11 साल के, तो उन्होंने लिखा आपके सामने, आपको पता है उन्होंने लिखा करके, रामनगर कोतवाली फोन करूँ, अभी तुम्हें अरेस्ट करा दूँ क्या, आप किसी फैमिली में ऐसी बातें कर रहे हो, बात तो अच्छी बात है, आप फेक ये फेक आईडी वो कर रहे हो, आवाज मेरे को वो बदली बदली जैसी लग रही है, चलो मैं अभी सरप्राइज में लगाता हूँ नंबर से, मैं नंबर से देखता हूँ कहाँ पे आपकी लोकेशन कहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, वॉइस चेंजर है, वॉइस चेंजर है, अरे बाबा ऐसी आवाज निकल सकती है उससे, तो गाइस अभी फाइनली सर से बात तो हो गई है, और सर ये कह रहे हैं सर लास्ट में क्या करना चाहिए हमको, बताइए, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उसमें हम, सर्विलांस ऑफिस में जाएगा एप्लीकेशन, ठीक होगा, नाम आम सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, तो अभी जो हमने बात करी वो वॉइस चेंजर है, मतलब बच्चा फेक है, ऐसा लगता है, लग रहा है सर, लग रहा है, वो बच्चा बिहार का है, बोल रहा रामनगर में हूँ, बता रहा मैंने बात करी, बता रहा रामनगर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, भाई अभी हुआ क्या, पापा बच्चा है, कौन है ये, भाई पता नहीं चल रहा, वॉइस चेंजर लगा के जो भी है ना, मैं छोड़ूंगा तो उसको नहीं,
मतलब बच्चे की आवाज से आ रहा है कि अंकल कल मेरे फ्रेंड्स ने कर दिया, छोटा बच्चा 9 साल का। अबे 9 साल के बच्चों को इतना बोलना कहाँ आता है? नहीं नहीं, वो इतना बोलता हो और 9 साल के बच्चे की आवाज पता लग जाती है अगर कोई अनसर्टेनिटी पकेगा तो। वो जो वॉइस मेकर जो होता तुम्हारा ना, वॉइस चेंजर, वॉइस चेंजर उसमें वो कर रहा है। और अपने दोस्तों का कितना चंडा, अपने दोस्तों का भी 10-11 साल का बता रहा है एज। 10-9 साल के बच्चे को फोन दे रहा है भाई, वो भी अपना नंबर भी है उसका वही। बट ये कि भाई मतलब छोड़ेंगे नहीं लास्ट तक, सीधी बात है। नहीं ऐसा ना, हमको बोल देता कोई दिक्कत नहीं थी, लेडीज को उसने बोला, घर में मम्मी को बोला, मम्मी को बोला छोड़ूंगा तो नहीं उसको मैं, कल फिर जाएंगे हम थाने में, थाने में उसका पूरा मैं नंबर ट्रेस करूंगा, पूरा लोकेशन उसका ट्रेस करूंगा और उसको पकड़वाऊंगा तो पक्का। राजवीर सिंह नाम दिखा रहा उसका, राजवीर सिंह आ रहा है, राजवीर सिंह नाम दिखा रहा उसका उसमें ट्रू कॉलर में, ट्रू कॉलर पे, और नंबर हमारे पास उसका है, ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। और बाकी क्या करना कल हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ेंगे नहीं भाई लास्ट तक, नहीं छोड़ेंगे मतलब ये नहीं नहीं हमसे नहीं, कल के दिन किसी और को भी ना बोले ना, इसकी हिम्मत ना हो किसी और को भी बोलने की। अगर हम चुप रहेंगे आज, कल के दिन किसी और की सिस्टर को परेशान करेगा, किसी और की वाइफ को परेशान करेगा, सही बात, किसी और के घर में वो करेगा, परेशानी करेगा ना भाई। मेरे को बोल ले, लेकिन मम्मी को कैसे बोल रहा है भाई, मम्मी को बोल ले, तेरे को भी बोल ले, लेकिन ऐसे बोल रहा है बार के लिए, लेकिन मम्मी को सीधे फोन पे मैसेज पे कॉल पे अनशन बोल रहा है भाई, अब तू जाएगा गंदा वाला। तो भाई मतलब बहुत ही नेगेटिव से एनवायरनमेंट हो गया था, तो आज ट्यूसडे भी था और हम हर ट्यूसडे को जाते हैं हनुमान मंदिर, वहाँ मत्था टेकने के लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज भी कैसे मस्त मंदिर से आ चुके, भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया है। जय श्री राम मोटे, फिर निकलते हैं। चलो फिर अन्ना, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, अन्ना भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ तू है, सपोर्ट है भाई, चारों टॉप है। चुलबुल चुलबुल क्या कर रहा, चुलबुल नो नो, चुलबुल नहीं नो, मम्मी वो तो कोई बच्चा निकला है, लेकिन बच्चा भी बेटा जिस तरीके की इसने अब्यूजिंग करी है ना माँ बहन की, हाँ। उस हिसाब से बच्चा तो नहीं लग रहा मुझे, बच्चा नहीं। और अगर ये बच्चा है, हाँ। उसने क्या वॉइस मैसेज भेजा है, लिख के भेजा है, टेक्स्ट भेजा है, टेक्स्ट करा है, और माँ बहन की, और लड़की बन के पहले, तो लड़की बहन के बन के पहले बात कर रहा है कि मैं आपके पार्लर में आई थी और पार्लर आपका बंद था, बात कर रखी हूँ मैं, छोड़ेंगे थोड़ी जो भी है ना, पकड़ेंगे मारेंगे तो पकड़ के, मैं मारेंगे पकड़ के। ये तो बिहार, बिहार में रहता है ना ये, पहले बोल रहा मैं हल्द्वानी से हूँ, ठीक है, फिर बोल रहा मैं रामनगर से हूँ, कह रहा मैं रामनगर में बिहार का मूल वासी हूँ, फिर कह रहा है मैं बिहार का मूल वासी हूँ, अभी नया नया रामनगर शिफ्ट हुआ हूँ। और सीधी बात है गाइस, हमारे ब्लॉग्स बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारी फैमिलीज देखती है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बहुत सारे लोग हेट भी करते हैं कि भाई क्या बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, क्या दिखा रहा है। तो सीधी बात है गाइस, अगर कुछ हेट करना है तो मुझे करो, है ना, प्यार देना तो मुझे दो, मेरी फैमिली को दो, बट अगर हेट करना है, कुछ गलत बोलना है तो भाई मुझे बोल दो, लेकिन फैमिली पे क्यों जा रहे हो आप, फैमिली पे क्यों जा रहे हो, और वो भी मम्मी पे जा रहे हो, मम्मी पे। तो ये बस ये शो करते हैं कि आपका संस्कार कैसे है। सीधी बात है गाइस कि अगर आपका संस्कार ऐसे है ना, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते कभी भी लाइफ में, हाँ। कभी आगे इस लाइफ में सफल नहीं होगे। और अगर आपके संस्कार ऐसे है, आपकी परवरिश ऐसी है, तो आप कभी भी लाइफ में अपने ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी लाइफ में अपने बड़े आदमी नहीं बन पाओगे आप। जो आप चाहते हो बनना कि मुझे ऐसा बनना है वो बन नहीं पाओगे, जो आप चाहते हो करना है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज आपकी जो बुनियाद है ना, आपकी जो नींव है, आपका जो बेस है वो हिला हुआ है ना। आप अपनी माता जी की, अपने पिताजी की रिस्पेक्ट तो करते हो, बट औरों की माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो आप, औरों की माता जी से ऐसा सब बोलते हो, अनशंट बोलते हो, वल्गर लैंग्वेज यूज करते हो, तो भाई आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप लिख के ले लो, अभी लिख के ले लो भैया, मैं बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, तो इसका आप नाजायज फायदा मत उठाओ, क्योंकि अगर बात मेरी मम्मी तक आएगी बिना कुछ गलती के, बिना किसी गलती के, मेरी इतनी इनोसेंट माँ है, सीधी सी मम्मी है, मस्त रहती है, खुश, बिल्कुल हंसती खेलती, मस्त मला रहती है मम्मी मेरी। और कोई भी अगर मेरी मम्मी के बारे में फालतू बोलेगा, फालतू मेरे बारे में, मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, फालतू मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, खासकर एक बार के लिए भाई जो मेरे ऊपर लोगों ने बोला है, मैं उसको झेल लूंगा भाई, सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, झेल लूंगा मैं। बट अगर पापा मम्मी पे बात आएगी ना, सच्ची बोल रहा भाई, बहुत बुरा कर दूंगा, बहुत बुरा हाल कर दूंगा, मतलब जेल तक घसीट दूंगा, थाने तक रगड़ दूंगा, और जितना गंदे से गंदा होगा मैं उतना कर दूंगा भाई। तो इसलिए मेरे से पंगे मत लो, मेरी फैमिली से पंगे मत लो, मस्त हम इंजॉय करते हैं, हम हंसते खेलते रहते हैं मस्त, हम कोई टेंशन नहीं करते, मस्त रहते, तो वैसे हमको रहने दो, हमको फालतू में मत छेड़ो, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे, ठीक है। मतलब यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार, कैसे कैसे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ गाइस कि मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, इतनी यंग एज में, इतनी कम एज में मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, बल्कि मेरे पास जो ऑडियंस है, जो सब्सक्राइबर्स है, उसमें से 95% सब्सक्राइबर्स मेरे बेस्ट है, लॉयल है, ग्रेट है, जेन्युइन है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है, जेंटलमैन है,
बट रिमेनिंग जो 5% जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा अजीबो गरीब है ना, मतलब उनका कोई भरोसा नहीं, वो क्या कर दे, बहुत हेट करते हैं वो और बहुत गंद फैलाते हैं। तो उन्हीं के लिए ये मैसेज है कि गंद मत फैलाओ वरना कांड जाएगा, बहुत गंदा वाला कांड कर दूंगा मैं। शर्म तो आपको है नहीं, बेशरम हो चुके हो आप, आपके घर में माँ बहन है कि नहीं है, या अपने माँ से भी ऐसे बोलते हो, आप अपनी बहन से भी ऐसे बोलते हो, उनकी इज्जत वगैरह करते ही नहीं करते, उनको गाली देते हो घर में, या अगर आपके कोई माँ बाप बहन को कोई गलत चीजें बोले तो आप खुश हो गए कि अरे और बोल भाई मजा आ गया, और बोलते रहे, गुस्सा आएगा ना आपको भी। अपने घर में तो एटलीस्ट अपने माँ बाप भाई बहन की इज्जत करते होगे या नहीं करते हो, करते हो, लेकिन आपकी हरकत देख के नहीं लगता कि करते हो, नहीं करते होगे शायद यार आप, ऐसे ही नहीं करते होंगे पक्का, ऐसे लोग नहीं करते होंगे जब अपने माँ बाप की, नहीं करते होंगे ऐसे लोग। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बोलना बहुत कुछ है अंदर से, मतलब बहुत गुस्सा निकल रहा है, मैं क्या क्या बोल दूंगा अभी कैमरे में, लेकिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ और बहुत कुछ चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज फिर वो बहुत गलत चले जाएंगी, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ बहुत कुछ चीज़ें। तो फिलहाल तो भाई अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, बाकी देखते क्या होते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल जाना है थाने, इनकी लोकेशन ट्रेस करने की, कहाँ से बोल रहे हैं लोग, और घर में घुस के कांड करना है इनका, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं गाइस, बाय।